बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। पंचायत समिति की बैठक में गरमाया रहा विभिन्न विभागों का मुद्दा। प्रखंड कार्यालय के अटल कलाम भवन के सभागार में शुक्रवार को पंचायत समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख नरेश पासवान ने किया। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जिला परिषद शिव चंद्र महतो ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बैठक में संबंधित सभी 19 विभाग के पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ पदाधिकारी को छोड़कर बिजली, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांख्यिकी, अग्निशामक, जीविका, पुलिस प्रशासन के अलावे कई महत्वपूर्ण अधिकारी बैठक से अनुपस्थित रहेंगे। तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनहित में उठाए जा रहे मुद्दे को सुनने वाला कौन होगा? पिढौली के मुखिया अनुराग प्रताप सनी ने कहा कि पीएचडी द्वारा संचालित नल जल योजना के तहत नल जल योजना के मेंटेनेंस पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे नल जल की व्यवस्था बदहाल की स्थिति में है। वही किसानों के कृषि सिंचाई के लिए दिए गए बिजली कनेक्शन का मीटर नहीं लगाया गया है। राशन कार्ड बनाने में लोगों को परेशानियां हो रही हैं। पंचायत में आशा के रिक्त पदों पर चयन किया नहीं होने से आम लोग स्वास्थ्य सेवा का लाभ से वंचित हो रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य अनुज कुमार ने बताया कि बरौनी दो पंचायत के विभिन्न वार्डों में नए नल जल की स्थिति दयनीय है। वार्ड संख्या 8 में विस्थापित परिवारों के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय नहीं होने से वैसे परिवार के बच्चों का शिक्षा प्रभावित हो रहा है। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से पहल करने की मांग की। साथ ही कहा कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में आम लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बरौनी 3 के मुखिया अमलेश कुमार राय ने डीलरों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि डीलर द्वारा लाभुकों को कम से कम अनाज दिया जा रहा है, इस पर आपूर्ति पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए। वही पंचायत समिति सदस्य सुरेश पासवान ने कहा कि मनरेगा विभाग के प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा मनरेगा की योजनाओं में जनप्रतिनिधियों से भेदभाव किया जा रहा है और अधिकतर पंचायत में पंचायत समिति सदस्यों को वंचित रखा जा रहा है। प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दे एवं जन समस्याओं पर प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि वार्ड से लेकर जिला पार्षद स्तर तक सभी जनप्रतिनिधियों को आपसी सामंजस्य बैठाकर पंचायत के विकास के लिए काम करने की आवश्यकता है, ताकि पंचायत की समस्याओं का समाधान हो सके और पंचायत में बेहतर विकास का काम हो सके। वही पंचायती राज पदाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए समस्याओं एवं सुझावों पर गंभीरतापूर्वक उसके निदान और समाधान की हर संभव कोशिश की जाएगी। बैठक में कृषि पदाधिकारी अभय कुमार चौधरी, सीडीपीओ प्रतिमा आचार्य, मनरेगा के प्रोग्राम पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राकेश कुमार, पशुपालन विभाग के डॉक्टर रमेश कुमार, स्वच्छ भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर नितेश कुमार, निपनिया मधुरापुर के मुखिया चंद्रभूषण सिंह, चिल्हाय के मुखिया अरविंद कुमार माथो, पकथोल के मुखिया पंकज सानी, पंचायत समिति सदस्य संजीव कुमार, राजकुमार सिंह, ललन कुमार, महेंद्र ठाकुर, सुनीता देवी, ज्योति सिंह के अलावे अन्य जन प्रतिनिधि व कर्मी मौजूद थे। एगरा से अशोक कुमार ठाकुर की। सर, हमारे पंचायत में डीपीडीपी में जो योजना शामिल है, हमारे पास फंड का क्राइसिस है। इसमें लोग वंचित रहे, हमारे साथ लोग वंचित हो गए। इसमें एक चीज बोलना चाहेंगे, इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने 7 योजना दिया जी, ठीक है। अब देखिए, एक समस्या हमें यह आती है, मुख्य समस्या आ सकती है, एक पहली समस्या ये हो सकती है, जो आपने योजना दिया है फर्स्ट टाइम वो आपका मुखिया जी की वही योजना मोर और लेस वही योजना होगा। इसकी कुछ कुछ योजना ऐसा है सरकार का जो आपसे भी मेहनत करवाती है, हम उससे भी मेहनत करवाते हैं। छोटा छोटा प्रयास से ही बड़ा चीज बनता है, दूर दूर से घर बनता है,
समस्या है और कुछ कुछ प्रयास हुआ भी है। हम ये नहीं करें बिल्कुल हम लोग बैठे बैठे ही प्रयास लगातार आपके द्वारा भी किया जा रहा है, लेकिन इसको और थोड़ा सा स्पीड अप करने की आवश्यकता है और रेगुलर हम लोग प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ कलेक्शन हम लोग आते रहेगा, जिससे कि हमने बताया उसी का 50% आपको मेंटेनेंस में जाएगा स्ट्रक्चर में और 50% जो हम लोग आएगा खाते में वो जाएगा आपके करने का मानने के रूप में। तो हमको पता इसमें आप थोड़ा सा दिखाइएगा तो रिपोर्ट भेजते हैं इस पंचायत से इतना कलेक्शन है, उस कलेक्शन में आपकी उतनी अहम भूमिका है कि हर कोई जागरूक पंचायत से अब तक तो सारा धर्म जीव का रह गया है। बताया गया है पूरा एक बार फिर से नापी करवाने के लिए।